मेरे प्यारे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, आज जैसा हर शनिवार को हम सायकल 5 बजे किसी न किसी एक जो लाभार्थी हैं सरकारी स्कीमों के, उनके साथ बात करने का जो अपना क्रम है, उसी क्रम में आज शनिवार 5 बजे का जो बातचीत का संवाद का जो कार्यक्रम है, आप सब लोग जो बीपीएल परिवारों के बंधु हैं, ऐसे सबसे बात कर रहा हूँ मैं। आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपकी सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसा हमको पता है कि बीपीएल के परिवार जिनको पहले राशन कार्ड जिनके बने हुए थे, उनकी आय की सीमा 1,20,000 रुपया ये वार्षिक थी, लेकिन हमने आने के बाद ये विचार किया कि 1,20,000 रुपये की सीमा बहुत कम है, तो ना इसको 1,80,000 रुपया प्रति वर्ष ऐसी सीमा के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनको बीपीएल के कार्ड दिए जाए, और इस काम को हमने शुरू कर दिया है। अभी पिछले ही महीने 25 दिसंबर से ऐसे लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं और लगभग 12 लाख बीपीएल के नए कार्ड ऐसे बने हैं। अभी इन परिवारों की कुल संख्या पहले वाले परिवार और अब नए मिलाकर लगभग 31.5 लाख परिवारों को घर बैठे बीपीएल के कार्ड जिनको मिल गए हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी गरीब अन्न कल्याण योजना पहले कोविड के समय से शुरू हुई थी, इस वर्ष से 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, और इसका लाभ ये हुआ है कि ऐसे परिवारों को जो अन्न मिलता है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और 1 किलोग्राम परिवार के नाते चीनी, ये सब अब उनको मुफ्त में अनाज मिलेगा, अनाज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और हमने हरियाणा की ओर से अब साथ में 300 रुपया प्रति परिवार सरसों के तेल के बदले अथवा दाल के बदले जो पहले योजना चलती थी वो कैश देना शुरू किया है। 300 रुपया इस अगले महीने से वो आपको डीबीटी के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। अब न केवल राशन बल्कि हम लोगों ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, उनको रोजगार कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों को मिले ताकि उनकी आय बढ़ सके, उनको पक्के घर यानी हर सिर के ऊपर छत मिले ऐसा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी शुरू की गई है। जहां तक मुफ्त इलाज का विषय है, ऐसे हमने आयुष्मान भारत जो योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी 5 लाख रुपए का एक बीमा ये हमारे स्वास्थ्य का बीमा ये किया गया था, लेकिन उसमें भी हमने जो है और संख्या बढ़ाते हुए इसको चिरायु योजना के साथ जोड़ करके और हमने इसको संख्या को बढ़ाकर लगभग 29 लाख ये संख्या हो गई है जिनके और आयुष्मान कार्ड के साथ साथ चिरायु कार्ड ये भी बनने शुरू हो गए हैं। अभी हमने रोजगार के नाते से ऐसे गरीब परिवारों में जिनकी आय 1 लाख रुपए से भी कम है, ऐसे लगभग 7.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया है जिनकी आय बढ़ाने का काम ये हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष में 861 अंत्योदय मेले ये लगाए गए। उन मेलों में हर प्रकार के किसी एक सदस्य को या तो कोई रोजगार के लिए अगर पैसा चाहिए तो पैसा दिलाने की बात हमने की है, और किसी को प्राइवेट नौकरी की आवश्यकता हो तो वो भी हमने करवाए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग हुनर का विकास ये भी किया है ताकि अपना काम वो घर बैठे कर सके। छोटी दुकान है, छोटा घरेलू कोई उद्योग है, ऐसे लोगों को भी काम करने के लिए हमने बुलाया है। इसमें लगभग 1 लाख के आसपास परिवारों की एप्लीकेशन ये स्वीकृत हुई है। अभी तक बैंकों ने 37,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण ये दिए गए हैं, और ये जो ऋण दिए हैं इसमें हर आदमी अपने पसंद के काम के लिए ऋण लेता है और अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके इस प्रकार का हम काम करते हैं। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिसको HKRN से भी पहचानते हैं, ऐसे माध्यम से गरीब परिवारों के किसी एक सदस्य को प्राइवेट नौकरी अथवा सरकारी जो हमारी आउटसोर्सिंग की नौकरी है उसका लाभ अगर मिल सकता है तो उसमें परिवार की उसकी सुख सुविधा ये सब हो सके। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि हम चिरायु योजना में स्वास्थ्य के नाते से ये सब चिंता तो कर ही रहे हैं, इसके अंतर्गत 1.25 करोड़ लोगों का टारगेट हमने रखा है जिसमें 29 लाख मैंने परिवार बताए हैं। अभी तक 71 लाख लोगों का ये जो गोल्डन कार्ड है वो बन चुका है। ऐसे लगभग पिछले महीने से तक
10,000 10,500 लोगों का मुफ्त इलाज ये हुआ है, 2,000 से लेकर के और 3 लाख रुपए तक के भी बिल लोगों के बने हैं। इसमें सरकार का 19 करोड़ रुपया अभी 21 नवंबर के बाद जब से योजना शुरू हुई है, पिछले साल 2022 21 नवंबर आज तक 19 करोड़ 13 लाख रुपए का सरकार ने भुगतान ये सब अभी तक किया है। भाइयों बहनों, ऐसी योजनाएं बहुत, चाहे वो नए मकानों के लिए सर्वे कराने की बात है उसको हमने शुरू कर दिया है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे हमने आयुष्मान भारत की जो बात कही है ये है, अथवा राशन कार्ड भी जो बनाने का विषय है, अब ऑटोमेटिकली जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे आती जाती है उनका राशन कार्ड भी अपने आप बनता है, उनकी जन्म मृत्यु का जो डाटा है ये भी सबका परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब ये डाटा तैयार हो गया है। किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए घर बैठे अपना वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल की उम्र होते ही उनको भी जो पेंशन बनने लायक जिनके होते हैं वो पेंशन उनकी घर बैठे बनती है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब लोगों की सहायता के लिए पिछले वर्षों में भी बहुत सी योजनाएं चलाई, अभी जो नया बजट आया है इसमें भी बहुत सी योजनाओं को दोबारा से लागू किया है। जैसा हम देखते हैं कि गरीबों के घर में जिनके में ईंधन जो है वो लकड़ी जलाकर अथवा केरोसिन के ऑयल से उपयोग करते थे, भट्टी जलाते थे, कोयला जलाते थे, ऐसे सब धुआं देने वाली जो चीजें थी उनको सबको बंद करके अब हर एक रसोई के अंदर गैस का जो कनेक्शन है वो पहुंचाया है, गैस चूल्हा सबको वितरित किया गया है। 9,20,000 रसोई गैस कनेक्शन तो हमने हरियाणा में ही दिए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मेरा दावा है कि हरियाणा का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में और गैस का चूल्हा ये न हो। हमारे गरीब परिवारों के जो बेटियां उनकी शादी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 71,000 रुपए, अन्य सब परिवारों में 51,000 रुपए बेटी की शादी के ऊपर ईवीएम नगद देते हैं ताकि बेटी के शादी का बोझ ये उनके ऊपर न पड़े। इस प्रकार से इन सब योजनाओं का हेतु एकमात्र है कि हमारा जो ऐसा समाज किन्हीं कारणों से भी वो पिछड़ गया है, गरीब है, तो उनको कैसे हम लाभ दे सकें और पैरों पर कैसे खड़ा कर सकें। इसमें सबसे पहला काम रोजगार इसलिए देने की हमने मुहिम चलाई है ताकि व्यक्ति अपने पैरों पर यदि खड़ा होगा तो उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे प्रकार से कर सकेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आखिर प्रभु ने हमको एक अच्छा शरीर दिया है, अच्छा हमारा यानी 10 नाखून की हमारी कमाई से हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। जहां तक हम अपनी स्थिति को और अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने में जब तक समय लगता है, हम अपने बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, रहने के लिए मकान, ऐसी सब चीजों के लिए भी सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर उठा रहे होंगे। हमने अंत्योदय के नाते से काम किए हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने ये कहा था कि जब तक पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति उसको लाभ नहीं पहुंचता, उसको मुख्य धारा में नहीं लाते, तब तक सुखी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा समाज सुखी हो और वो आगे बढ़े, इन सब चीजों के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत योजनाएं बना रहे हैं। वहीं हम हरियाणा में भी ऐसी अच्छी योजनाएं बना करके और अपने समाज को जो बीपीएल समाज है इसको कैसे आगे बढ़ाकर इनकी न्यूनतम आय 1,80,000 या इससे ऊपर हो जाए, ये हमारा इसमें टारगेट है। और निश्चित रूप से जैसे केंद्र का बजट अभी आया है, इसी प्रकार का बजट हमारा हरियाणा सहित अभी आने वाला है, उसमें भी बहुत सी योजनाएं ऐसे गरीब परिवारों के विकास के नाते, उनको आगे बढ़ाने के नाते हम लाएंगे। यही मुझे आपसे आज ये बात कहनी थी। हम लोग हर सप्ताह जैसे शाम को 5 बजे किसी न किसी एक वर्ग को मिलते हैं, आज ऐसे सब बंधुओं से हम मिले हैं जिनके बीपीएल के कार्ड नए बने हैं इस पिछले महीने में, और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस बार 12 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, और ऐसे 12 लाख के बनने के बाद अब लगभग 31 लाख परिवारों के राशन कार्ड बन गए हैं, जिसको अगले 1 साल के लिए राशन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा घर के काम में एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो गई है। पिछले 2011 के बाद 2022 तक 11 साल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनवाए हैं। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं हम दे सकेंगे देंगे, लेकिन एक निवेदन ये है कि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई नए काम करके, अपना रोजगार करके, कहीं प्राइवेट नौकरी, कहीं सरकारी नौकरी,
हर जगह कोशिश करते रहे, आगे बढ़ने के लिए हमेशा मन में एक उत्साह बढ़ा के रखें, हमारी इनकम ज्यादा हो ताकि हम कहीं हाथ ना फैलाएं। सरकारी योजनाएं तो जो गरीब है उनकी सहायता के लिए होती हैं, लेकिन हर आदमी गरीब ना रहे, गरीबी से उठ करके 1,80,000 से ऊपर आ जाए, सरकारी योजनाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी मदद के बिना आपके अपने पास पैसे अगर अपनी कमाई के आते हैं वो इससे भी ज्यादा आनंद देंगे आपको, इसलिए आप आगे बढ़े, यही मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार अगले सप्ताह फिर किसी एक वर्ग से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।